गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्रासे यूट्यूब चैनल पे। शुरू करेंगे आज 8 दिसंबर करंट अफेयर वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे, और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर एक के साथ। क्वेश्चन नंबर एक है, भारत और रूस के बीच संयुक्त त्रिकोणीय युद्धाभ्यास को क्या कहा जाता है? तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है इंदिरा। जी हाँ, इसका क्या नाम है? इंदिरा। भारत और रूस के बीच संयुक्त त्रिकोणीय सेवाओं के जो अभ्यास होता है उसका नाम होता है इंदिरा, जिसे क्या कहा जाता है? इंदिरा, जो 10 से 19 दिसंबर 2019 को बबीना यानी झांसी के पास पुणे और गोवा में एक साथ निर्धारित किया गया है। अभ्यास की इंदिरा श्रृंखला 2003 से शुरू है और 2017 में प्रथम संयुक्त त्रि सेवा अभ्यास भी आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर है दो, किस सन को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नर्स और मिडवाइफ के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो किसको किया गया? ये वो किया गया 2020 को। जी हाँ, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ के वर्ष के रूप में घोषित किया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार समारोह 2019 के अवसर पर नई दिल्ली में समारोह के दौरान देश भर में नर्सरी के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाले नर्सों को सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन संख्या देखेंगे तीन, किस विभाग ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने। किसने? वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने। वाणिज्य और उद्योग मंत्री अपने पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII भारतीय ई मार्केट प्लेस के साथ साझेदारी में CII राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद सम्मेलन 2019 का तीसरा संस्करण का आयोजन कर रहा है नई दिल्ली में। चौथा क्वेश्चन है, हीट वेव 2020 दो दिवसीय कार्यशाला कहाँ पर शुरू की गई? तो वो की गई बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कर्नाटक सरकार के सहयोग से बेंगलुरु में हीट वेव 2020 की तैयारी, समन और प्रबंधन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। क्वेश्चन संख्या देखेंगे पाँच, पाँच क्वेश्चन संख्या है, गृह मंत्रालय ने पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क की स्थापना सुदृढ़ता के लिए निर्भया फंड से कितने की राशि स्वीकृत की है? तो वो की है 100 करोड़ रुपए की। कितनी की? 100 करोड़ रुपए। गृह मंत्रालय ने पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क की स्थापना दृढ़ता के लिए निर्भया फंड से 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना को लागू करेंगे। महिला सहायता डेस्क पुलिस स्टेशनों को अधिक महिलाओं के अनुकूल और पहुँच योग्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी, क्योंकि वो किसी भी महिला के पुलिस स्टेशन में जाने के लिए संपर्क का पहला और एकल बिंदु होगी। क्वेश्चन संख्या देखेंगे छह, किसको यूनिसेफ के डेनी काए मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया प्रियंका चोपड़ा को। भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और विश्व भारत की जो स्टार है प्रियंका चोपड़ा, उनको साल जून में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा मानवतावादी पुरस्कार 2019 के लिए नामित किया गया था और उन्हें न्यूयॉर्क में सेनोफ्लेक बाल पर पुरस्कार प्राप्त किया। वह एक दशक से अधिक समय से यूनिसेफ की सद्भावना दूत के रूप में कार्य कर रही है। कहाँ की? यूनिसेफ की सद्भावना दूत के रूप में। क्वेश्चन संख्या देखेंगे सात, किसने औद्योगिक अनुप्रयोग अनुमुख अनुसंधान कार्यक्रमों और उनके व्यावसायिकीकरण में सहयोग करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए बेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किए? CSIR ने। किसने? CSIR ने। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने भारत सरकार की पहल मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए भेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता प्रौद्योगिकी अनुमुख अनुसंधान कार्यक्रमों को सहयोग और बड़े पैमाने पर इसके व्यवसायीकरण के लिए है। इस प्रकार CSIR द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तकनीकों को स्वदेश में भेल और CSIR द्वारा संयुक्त रूप से व्यावसायिक रूप से लागू किया गया है। क्वेश्चन संख्या देखेंगे आठ, व्यक्ति को FIO घोषित करने के लिए अपराध का मूल्य कम से कम कितना करोड़ रुपए होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? कम से कम 100 करोड़ रुपए का उसका अपराध मूल्य घोषित करने के लिए
होना चाहिए, यानी 100 करोड़ रुपए कम से कम उसने खाए हो, और उसे घोषित करने के लिए ये जरूरी अमाउंट है। विजय माल्या के बाद नीरव मोदी को भगोड़ा अभी घोषित किया गया है। इसके बाद ये दूसरे व्यक्ति हैं, मोदी जो इस समय लंदन की वेड्सवर्थ जेल में बंद है और अपने चाचा मेकुल चोकसी के साथ बैंक को हुए 13,570 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी भी हैं। FIO एक ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ विधेयक की अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है वो, और अपराध मूल्य उसका कम से कम 100 करोड़ रुपए हो, तो उसको FIO घोषित किया जा सकता है, यानी उसे भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन संख्या देखेंगे 9। नागालैंड ने किस तिथि को अपना दूसरा हनी बी डे मनाया? तो मनाया 5 दिसंबर को। कब? 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को कोहिमा दूसरा हनी बी डे मनाया, और इस कार्यक्रम का विषय था सेव बीज सेव लाइफ। इस अवसर पर राज्य स्तर जिला स्तर के लिए बी कीपर यानी मधुमक्खी पालन पुरस्कार दिया गया। खाद्य श्रृंखला के इस एजेंट के रूप में मधुकोश की भूमिका पर जैव विविधता के संरक्षण में योगदान कारक के रूप में सामुदायिक जागरूकता पैदा करने के लिए और राज्य में एक जीवित कुटीर उद्योग की स्थापना करके जैविक खेती के एक महत्वपूर्ण प्रणाली के रूप में किसानों को मधुमक्खी पालन प्रौद्योगिकी के लिए एक मंच बनाने और बढ़ावा देने के लिए ये दिन घोषित किया गया है। जो आज का सवाल आपके लिए, जिसका नीचे आपको कमेंट के द्वारा उत्तर देना है, तो वह हाल ही में इसरो ने चेन्नई में एक नया स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया। तो वो कहाँ पे किया है? मैंगलोर, हरिकोटा, तिरुचिरापल्ली या चेन्नई? जो भी आपका राइट आंसर है, जी कमेंट के द्वारा जरूर बतलाएं। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और आप कितना वीडियो पूरा देखते हैं करंट अफेयर का। आपके लिए जो करंट अफेयर का वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है आपकी हर एग्जाम के लिए, सरकारी एग्जाम के लिए जो भी देते हैं उसके लिए करंट अफेयर का जो वीडियो है आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि हर एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पिछले वीडियो का क्वेश्चन था वो था पोषण गान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपको बताना है पोषण गान किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया? ये भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। उम्मीद करेंगे आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे, अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करेंगे, और ऊपर वाले जो क्वेश्चन का है वो नीचे आप कमेंट के द्वारा आंसर जरूर देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।